नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में। आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों। गदर 2 एक ऐसी फिल्म जिसका कोई मुकाबला नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये बात मैं पूरे दिल से बोल रहा हूँ, पूरा मतलब एक सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वाकई एक ऐसी फिल्म जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिसको नेगेटिव रिव्यूज दिए गए, जिसको स्क्रीन नहीं दिए गए, जिसका बड़ी बड़ी फिल्मों से क्लेश करा दिया गया, जिस फिल्म को यूट्यूब पर लीक कर दिया गया, उस फिल्म ने जो इतिहास रचा है, तो फिर आप कैसे किसी फिल्म से इस फिल्म की तुलना कर सकते हैं? अनमैचेबल, अनकंपेरेबल। न तो आप इसको किसी फिल्म से मैच कर सकते हैं, ना आप इस फिल्म को किसी से कंपेयर कर सकते हैं। वाकई ही हिंदुस्तान की असली ब्लॉकबस्टर फिल्म है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसका डे 39 को करीब 35 लाख की रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा कलेक्शन आने वाला है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग हो रही है उससे हमेशा 10-15 लाख रुपए ज्यादा ही कलेक्शन आता है। तो आप 50 लाख के आसपास मान के चलिए। और डे 40 का कल का जो रिपोर्टिंग है वो करीब 46 लाख रुपए की है। 46 लाख का मतलब आपको बता दूं 30% कलेक्शन बढ़ा है। अगर 46 लाख भी मैं अगर मानूं तो 30% का उछाल हुआ है कल के कलेक्शन में, लेकिन ये 46 लाख की नहीं जाने वाला दोस्तों। ये कलेक्शन मेरे हिसाब से 60-65 लाख से ऊपर जाने वाला है। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, जब ऑफिशियल पोस्टर आएगा, तब पता चलेगा हमें। कई जगह 60-65 लाख की रिपोर्टिंग भी है, लेकिन ये सिग्नल के डाटा है जो सबसे बड़ी वेबसाइट मानी जाती है, सबसे विश्वसनीय मानी जाती है, लेकिन विश्वसनीय अभी इनका थोड़ा विश्वास डगमगा रहा है गदर 2 के मामले में, क्योंकि इनके कलेक्शन की रिपोर्ट हमेशा गलत आ रही है। जो भी रिपोर्ट आती है उससे अभी जो पिछली बार मैंने आपको बताया था, जब ऑफिशियल पोस्टर आया था 520 का, तब 57 लाख रुपए का फर्क था इनके कलेक्शन में और ऑफिशियल कलेक्शन में। और उसके पहले वाली जो रिपोर्ट आई थी 517 पॉइंट समथिंग का, उसमें 1,22,00,000 का फर्क था। बाद में सेक्लिक को उसको ठीक करना पड़ा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो डाटा है वो मैं बता जरूर रहा हूँ आपको इनका, लेकिन इससे अच्छा कलेक्शन आएगा। तो अगर इनके हिसाब से डे 40 तक 520.80 करोड़ बता रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 521.20 करोड़ के आसपास हो गया डे 40 तक। और जहां तक दोस्तों आज की बात करें, तो आज भी ये फिल्म अच्छा करने वाली है। आज आपको बता दूं कि आज शो बढ़ गए फिल्म के, कुछ खबरें दे रहा हूँ आपको, शो बढ़े हैं आज फिल्म के। अहमदाबाद में खूब सारे शो बढ़े आज, और बाकी जगह शो मेंटेन किए हुए है, तो डेफिनेटली आज फिल्म ज्यादा अच्छा कलेक्शन करेगी, कल से ज्यादा करेगी। अगर कल का 50 लाख 60 लाख मानता हूँ मैं, कम से कम 60 लाख मानता हूँ, 65 लाख भी जा सकती है, तो आज शो बढ़ने वाले। और कई जगह तो डिक्लेयर कर दिया है कि 522 करोड़ हो जाएगा आज, 520 करोड़ हो जाएगा, ऐसे मतलब बोला जा रहा है कि आज का कलेक्शन मिला करके मतलब 522 करोड़ की रिपोर्टिंग कई वेबसाइट पे है, लेकिन अभी उनके ऊपर अपन क्लियर नहीं कह सकते कि उनकी रिपोर्ट कितनी सही है, इसलिए मैं अभी आपको ये बोलूंगा नहीं। लेकिन आपको पहले शो बता देता हूँ, पहले मॉर्निंग थिएटर ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ। मॉर्निंग की आज 10.88% थिएटर ऑक्यूपेंसी है, 11% के आसपास मॉर्निंग शो की थिएटर ऑक्यूपेंसी है, जो आफ्टरनून में बढ़ेगी, इवनिंग में और बढ़ेगी, नाइट शो में थोड़ी कम हो सकती है। तो आफ्टरनून शोज की अगर थिएटर ऑक्यूपेंसी, मैंने वीडियो पब्लिक करने से पहले आ गई तो मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, लेकिन अभी से आपको बता दूं कि आफ्टरनून में कम से कम भी 18-20% की थिएटर ऑक्यूपेंसी रहने वाली है। इवनिंग शो की अपन रात के वीडियो में बात करेंगे, रात को मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आपके लिए लेके आऊं, शाम को 5-6 बजे बनाऊ आपके लिए एक वीडियो, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको रिपोर्टिंग देने की। जहां तक शोज की बात करें, मुंबई में 59 शो आज, कल 58 थे, और एनसीआर में 117 हो गए, कल 116 थे। वहीं दोस्तों पुणे में 20 के 20 शो है, और बेंगलुरु में 5 के 5 शो मेंटेन है, हैदराबाद में 12 शो है, कोलकाता में भी 6 शो मेंटेन है। अहमदाबाद में देखिएगा आज, कल 52 शो थे और आज है 63, 11 शो बढ़े आज, 11 शो अहमदाबाद में बढ़े। इससे पता चल सकते हैं कि कितनी जबरदस्त इस फिल्म की थिएटर ऑक्यूपेंसी चल रही है और कितनी ज्यादा क्रेज है अभी भी इस फिल्म का। और दोस्तों जहां तक बात करें, चंडीगढ़ में 3 शो है, और दोस्तों सूरत में 33 शो है, जयपुर में 1 शो बढ़ा है, 24 से जगह 25 हो गया है, और चंडीगढ़ में 9 शो हो गए, भोपाल में 12 है, और लखनऊ में 25 है। बाकी देश में और भी सब जगह शो बढ़ रहे हैं, तो शो अच्छे है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, पठान का रिकॉर्ड टूटेगा, कोई नहीं रोकने वाला है। तो इन सब शो के आधार पे आपको बता दूं कि मैं आज फिल्म का जो प्रिडिक्शन आ रहा है डे 41 का, वो कम से कम 60-70 लाख रुपए का है, 60-70 लाख की रेंज में फिल्म आज कलेक्शन करेगी। हालांकि सेकंडली आज भी इसका कलेक्शन केवल 45 लाख के आसपास ही दिखा रहा है, लेकिन कलेक्शन आज इसका 70 लाख के आसपास आना चाहिए। मुझे लगता है कि 70 लाख से कम कलेक्शन आज नहीं आना चाहिए फिल्म का। और अगर ये 70 लाख में सेकंड वाले डाटा में भी जोड़ दूं, तो आराम से दोस्तों इसका कलेक्शन है वो 522 के आसपास होता है। 544 ही जोड़े अपन, सेकंड वाला कलेक्शन जोड़े, तब तो होता है 521 करोड़ 25 लाख। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम 20 लाख आपको रेट करना है पिछले 2 दिनों के, तो 545 और 25 ओवर रेट कर लीजिए आप कम से कम, तो 521.70 करोड़ 70 लाख या 80 लाख के आसपास ये फिल्म
आज जानी चाहिए मेरे हिसाब से, लगभग 522 करोड़ के आसपास ये फिल्म आज होगी। जब ऑफिशियल कलेक्शन आएगा तो हो सकता है कि कल आपको 522 करोड़ का पोस्टर मिल जाए, कल या परसों 522 से ऊपर ही मिलेगा। मतलब कि 2.5-3 करोड़ रुपए का मेटेरियल फटान तक पहुंचने का। मुझे लगता है कि शनिवार रविवार तक ये फिल्म ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो जबरदस्त चल रहा है गदर 2 का, चिंता मत करिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कलेक्शन चल रहा है और जल्दी ही फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ ही देगी, जल्दी तोड़ देगी। मुझे लगता है संडे तक नहीं तो मान लीजिए कि, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 28 तारीख को जो दो फिल्में आ रही है, फुकरे 3 और द वैक्सीन वार, उससे पहले तो डेफिनेटली ये फिल्म कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाली है। तो अभी कलेक्शन जो आ रहा है सेक्निल का, वो मैं आपको बता दूँ, सेक्निल का आज का मिला करके 521.25 करोड़ बोल रही है कि आज का ये 45 लाख ही मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा इनके कलेक्शन में 10-20 लाख बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा ही आता है। तो आज मैं 70 लाख मान रहा हूँ, कम से कम 70 लाख। और पिछले जो मैंने आपको चेंज करी थी जो है वो, तो मेरे हिसाब से जो 521.25 बता रहे हैं ना, वो कम से कम इसमें आप 40 लाख रुपये और जोड़ लीजिए, तो 521.65 या 521.70 करोड़ तक इसका आज कलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली। और 522 पहुँच जाए तो वही बड़ी बात है। अगले शाम के वीडियो में देखते हैं और क्या फर्क क्या होता है, किस तरह की थिएटर ऑक्यूपेंसी वगैरह आती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका, टेक केयर, जय श्री राम, जय।